22 मई 24 का ट्रेलर। काशी जो भारत की आध्यात्मिक नगरी है तो हिंदू धर्म की पवित्र नगरी भी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी काशी के बेटे हैं। 2014 में प्रधानमंत्री मोदी के लिए लोकसभा सीट की तलाश शुरू हुई तो प्रधानमंत्री मोदी ने मां गंगा किनारे बसे भगवान भोले की नगरी वाराणसी को ही चुना और अब 2019 के बाद 2024 में भी मोदी इसी वाराणसी से चुनावी मैदान में हैं। 24 के चुनावी रण में देश की सबसे हाई प्रोफाइल सीट वाराणसी से प्रधानमंत्री मोदी नामांकन दाखिल करने वाले हैं। काशी में प्रधानमंत्री मोदी के 22 घंटे का पूरा कार्यकाल आपको हम अगले आधे घंटे में दिखाएंगे। साथ ही ये भी बताएंगे कि पीएम मोदी के वाराणसी में मेगा रोड शो को लेकर बीजेपी ने क्या तैयारी की, उसकी एक एक डिटेल आपको यहां दिखाएंगे। जो काशी प्रधानमंत्री मोदी की कर्मभूमि है, क्या काशी का कायाकल्प मोदी की जीत की हैट्रिक पक्की करेगा? न मुझे किसी ने भेजा है, न मैं यहाँ आया हूँ, मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है। माँ गंगा ने बुलाया, मोदी ने कर दिखाया। जहाँ गंगा अपनी धारा बदल कर बहती हो, उस काशी को भला कौन रोक सकता है? काशी का कायाकल्प 2024 में विजय संकल्प। जब होगा भव्य स्वागत मेगा शो में मिनी भारत। मोदी के लिए काशी तैयार, 22 में 24 का ट्रेलर। माथे पर त्रिपुंड, हाथ में त्रिशूल, शिव की भक्ति में लीन और चाल में सनातन के मान का अभिमान। जिस महादेव की साधना ने नरेंद्र मोदी को देश का प्रधान सेवक बनाया, जिस शक्ति की परम भक्ति से नरेंद्र मोदी को राजयोग का अखंड वरदान मिला, जिन भोले शंकर की दिव्य आराधना से मोदी को अक्षय अभय दान मिला, काशी एक बार फिर सज रही है मोदी मोदी के नारों से, गूंज रही है। यही है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शिव साधना, यही है वो विजय की प्रेरणा जो तीसरी बार जीतने की शक्ति दे रही है। शिवधाम काशी में महादेव के परम भक्त मोदी के स्वागत की तैयारियां ये बता रही हैं कि इस बार भी मोदी की शिव भक्ति कुछ चमत्कार करने वाली है। गंगा जीवन दायिनी है तो काशी मोक्ष की नगरी, जिसके नाम के साथ ही रस जुड़ा है बनारस, यहां काशी विश्वनाथ का वास है। ये वो काशी है जो हमेशा से ज्ञान का केंद्र रहा है, ये वो काशी है जो अध्यात्म ही नहीं सत्ता का केंद्र भी माना जाता है। मां गंगा की अविरल धारा को साक्षी मानकर एक बार फिर इतिहास रचने की तैयारी है
तभी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बार फिर सौभाग्य मिला है। वाराणसी से तीसरी बार पीएम मोदी 2024 के चुनावी रण में। हर हर महादेव, हर हर महादेव। 5 साल बाद नरेंद्र मोदी एक बार फिर काशी में एक अलग अंदाज में नजर आने वाले हैं। यूं तो कई बार मोदी काशी पहुंचे हैं, लेकिन इस बार मौका वाराणसी लोकसभा सीट से नामांकन भरने का है। पीएम मोदी तीसरी बार वाराणसी से नामांकन करने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले पीएम मोदी का मेगा शो पूरी दुनिया देखेगी, काशी देखेगी, यूपी देखेगा और हर शिव भक्त सनातनी देखेगा। नामांकन से पहले पीएम मोदी के भव्य रोड शो को लेकर बीजेपी ने जो तैयारी की है वो ऐतिहासिक होने वाली है। न मुझे किसी ने भेजा है, न मैं यहाँ आया हूँ, मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है। और एक बालक जैसे अपनी माँ की गोद में वापस आता है, वैसी मैं अनुभूति कर रहा हूँ। ये 3 तस्वीरें बता रही हैं कि इस बार भी पिछली बार की तरह पीएम मोदी का रोड शो भव्य रहने वाला है। बीजेपी कार्यकर्ताओं का जोश हाई है, ठीक वैसे ही जैसे पीएम मोदी जब जब वाराणसी जाते हैं काशी के लोगों का उत्साह देखते ही बनता है। वाराणसी में 7वें और अंतिम चरण में 1 जून को वोटिंग होगी। वोटिंग को लेकर 7 मई से नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी सीट से 14 मई को अपना नामांकन करने जा रहे हैं। पिछले 2 बार से लगातार पीएम मोदी ने वाराणसी सीट से जीत दर्ज की है। अब तीसरी बार मोदी इसी सीट से चुनावी मैदान में हैं। उनके सामने कांग्रेस के अजय राय हैं। पीएम मोदी अपने 2 दिवसीय दौरे पर 13 और 14 मई को वाराणसी में मौजूद रहेंगे। जिस तरह 2014 और 2019 में पीएम मोदी का वाराणसी में एक बड़ा और मेगा रोड शो देखने को मिला था, ठीक उसी तरह ही इस बार भी 2024 के रण में पीएम मोदी इस रणनीति पर काम कर रहे हैं। पीएम मोदी वाराणसी में 22 घंटे रहने वाले हैं। सबसे पहले पीएम मोदी वाराणसी में रोड शो करेंगे। 13 मई को शाम 5 बजे पीएम मोदी का रोड शो होगा। 6 किलोमीटर के रोड शो में 10 लाख लोगों को बुलाने का टारगेट है। इसके लिए पूरी काशी को निमंत्रण भेजा गया है। सबसे ज्यादा भीड़ दक्षिणी विधानसभा क्षेत्र यानी श्री काशी विश्वनाथ इलाके में जुटाई जाएगी। 6 किलोमीटर लंबे इस रोड शो में 30 पॉइंट बनाए गए हैं। पीएम मोदी के रोड शो का रूट मैप क्या रहेगा वो भी जान लीजिए। ये रोड शो बीएचयू सिंह द्वार से शुरू होगा और लंका चौराहा, संत रविदास गेट, 80, भदैनी, शिवाला, सोनारपुरा, मदनपुरा, जंगमबाड़ी, गौदौलिया चौराहे होते हुए काशी विश्वनाथ मंदिर तक जाएगा। पीएम मोदी का इस बार काशी जिस तरह स्वागत करने के लिए बेताब है वो जानकर आप हैरान रह जाएंगे। बीजेपी ने रोड शो की तैयारियों के लिए कमर कस ली है, जो लंका स्थित मालवीय प्रतिमा से काशी विश्वनाथ धाम तक मिनी इंडिया की तरह झलक पेश करेगा। तमाम राज्यों के लोग पारंपरिक पोशाक में पीएम मोदी का स्वागत करेंगे। इसी बीच पीएम मोदी के पक्ष में माहौल बनाने के लिए वाराणसी में बीजेपी ने खास प्लान तैयार किया है। गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्यकर्ताओं के संग पीएम मोदी के रोड शो और नामांकन को ऐतिहासिक बनाने की रणनीति बनाई है। गृह मंत्री अमित शाह और सीएम योगी दशाश्वमेध में होने वाली मां गंगा आरती में शामिल हुए, जहां उन्होंने वाराणसी के सांसद और बीजेपी उम्मीदवार नरेंद्र मोदी और देश में बीजेपी की प्रचंड जीत के लिए कामना की। चौदह मई की सुबह पीएम मोदी सबसे पहले 80 घाट पर पहुंचकर स्नान करेंगे।
सुबह 10:15 पर काल भैरव के दर्शन कर पूजा अर्चना करेंगे। इसके बाद 10:45 पर एनडीए नेताओं के साथ एक बैठक करेंगे और चुनावी रणनीति पर चर्चा करेंगे। पीएम मोदी 11:40 पर अपना नामांकन दाखिल करेंगे। नामांकन स्थल पर सीसीटीवी कैमरे से लेकर पुलिस कर्मियों की तैनाती फुल प्रूफ की गई है। इसके बाद 12:15 पर पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक को संबोधित करेंगे। वाराणसी पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र है। वाराणसी में रोड शो की ताकत क्या होती है, ये मोदी 2019 में साबित कर चुके हैं। पिछले साल मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बीजेपी की शानदार जीत के बाद मोदी पहली बार वाराणसी दौरे पर पहुंचे थे और अब 2024 का चुनाव है, ऐसा चुनाव जिस पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं। एक तरफ है पीएम मोदी और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन, जिसने मोदी को सत्ता से उखाड़ फेंकने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। लेकिन पीएम मोदी पर महादेव की कृपा है और इस बार उनका कॉन्फिडेंस भी गजब का है। सनातन के ध्वजवाहक पीएम मोदी ने यह साफ कर दिया है कि इस बार का चुनाव ऐतिहासिक होगा। देश की सरकार नरेंद्र मोदी हैं, लेकिन मोदी के सरकार महादेव हैं। तभी तो अपने भाषणों में पीएम मोदी इसका जिक्र अक्सर करते हैं। काशी में एक ही सरकार है, जिनके हाथों में डमरू है उनकी सरकार है। जहां गंगा अपनी धारा बदलकर बहती हो, उस काशी को भला कौन रोक सकता है। देखते देखते 10 साल हो चुके हैं, 2014 से 2024 यानी आज मौजूदा वक्त में पीएम मोदी ने वाराणसी की दिशा और दशा ही बदल दी है। काशी विश्वनाथ मंदिर की तस्वीर बदल गई, 84 घाट की तस्वीर बदल गई। पीएम मोदी गुजरात के रहने वाले हैं, लेकिन जब से काशी ने उन्हें अपनाया है और पीएम मोदी ने काशी को अपने गले से लगाया है, काशी के लोगों की कहानी बदल गई। काशी अब विकास की कहानी लिख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भगवान भोले के भक्त हैं और काशी ने उन्हें वो सब कुछ दे दिया है जिसकी तलाश वो 18 साल की उम्र से कर रहे थे। भगवान भोले की भक्ति में लीन मोदी की शिव साधना क्या एक बार फिर 2024 के चुनाव में चमत्कार करने वाली है? ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। हर, हर।